ओम सायंकाल का, जैसे कि आप सबको पता है चितपीठ से सायंकाल का मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो मंदिर के विकास कार्य अभी भी आरंभ हैं और ये चलते रहेंगे। अभी मंदिर के विकास कार्यों में आप लोगों के सहयोग की हमें फिर से आवश्यकता है, तो कृपया करके मंदिर के विकास कार्य में सहयोग करें, ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। ओम सायंकाल का। मंदिर में और दरबार में किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जाती। अगर आपको कोई भी इस तरीके की धन की मांग करता हुआ नजर आए तो कृपया आकर के मंदिर में सूचित करें और मंदिर के विकास कार्य की सेवा चलें। बाबूजी, इसकी डॉक्टरी दिक्कत है, तुम किस डॉक्टर को दिखा रहे हो? वैसे ही किसी को दिखा रहे हो या हॉस्पिटल अच्छे में दिखा रहे हो? एम्स में दिखा रहे हो। अरदास लगा अपने पितरों की, और जब पितरों की अरदास लगाएगी तो इसकी रिपोर्ट में क्या दिक्कत है वो भी सामने आएगा, ठीक है? और दूसरा, तूने कभी व्रत किए थे महामाई के और फिर बीच में छोड़ दिए थे? तूने व्रत किए थे शुक्रवार के ही आ रहे थे, शुक्रवार के एक साल करे, फिर छोड़ दिए, फिर छोड़ दिए, एक साल हो गए थे। उद्यापन किया था? नहीं, वो यही कह रही है कि मेरे व्रत उठाए थे और फिर व्रत मेरे बीच में छोड़ दिए। छोड़ने का मतलब या तो उद्यापन करो, नहीं उद्यापन करते तो उसको छोड़ा हुआ ही माना जाता है, ठीक है? उन व्रतों का उद्यापन कर दे, नहीं तो उनके व्रत दोबारा उठा अपनी बेटी के लिए, ठीक है ना? और अब के बोल के उठाना कि मैं इतने दिन करूंगी, या बिना बोले भी उठाएगी, तो जब भी व्रत छोड़ो उद्यापन करना जरूरी होता है, नहीं तो उसका वजन हमारे सर पे रहता है। समझ में आ गई बात? हाँ, बाकी मैं तेरे को इलाज करवा के दे रही हूँ यहाँ से, वो शुरू कर देना, उसके बाद एक बार डॉक्टर को दिखाना दिक्कत क्या है, आ जाएगी। इसको डॉक्टरी दिक्कत है, भूत प्रेत कुछ नहीं है इसको। हाँ करवाओ भाई, कविता जी ज्योतपति करा देना, हाजिरी करा देना, और इसको लौंग इलायची खिलाना बता देना, गुड़िया को तेल भी बता देना पीना। एक अंग्यारी बता रही हूँ, लिखो जरा, तो वो अंग्यारी ये बच्चे घर में बना लेंगे, पर इसके पास इतना पैसा नहीं होगा ये वो अंग्यारी बनाएगी। नहीं नहीं, वो बनानी ही पड़ेगी बेटा जी, कहीं से एडजस्ट करके बनाना। पीपल की छाल ले लेगी, नीम की छाल ले लेगी सूखी हुई, पीपल की छाल, नीम की छाल, और बड़ की छाल ले लेगी, नागरमोथा, नागरमोथा, सफेद चंदन, लाल चंदन, बेलगिरी सूखी, आंवला सूखा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, काली सफेद राई, काली सफेद सरसों, नीम के पत्ते सूखे हुए, सामग्री मिला लेगी उसमें थोड़ी सी, गूगल, लोबान, थोड़ी सी चीरमिटी, लाल वाली, काली ना ले ले, लाल वाली जो लेके आएगी ना उसमें हल्का काला दाग होगा, लेकिन पूरी लाल नहीं मिलेगी, और काली मत ले लेना पूरी, ये इसकी बीमारी की है, ठीक है ना? बच्ची के ऊपर से करनी है ऐसे जैसे करवाते हैं, ये किसी भी बीमारी वाले के लिए भी लिख ही लेना तुम लोग, इसमें वो भी कर लेना 5-10 रुपये का नोट भी जला करके मिला देगी। अच्छी है, सच्ची शक्ति है, गलत चीज़ कोई होती तो पहले ही पकड़ लेती माँ, जैसे उसको पकड़ा था, कितने माँ वो आई तो माँ बोली कि आप कहीं मत जाओ, पहले दरबार में जाओ, एक बार मिल के आओ, लड़की में ही सही होगी, ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने बताया सच्ची शक्ति है महामाई की, जैसे बताया वैसे किया करना, बाहर वालों का अगर बताओ तो फिर गुरु बना लेना, नहीं तो बाहर वालों के नहीं बताओ तो गुरु की जुटी, ठीक है ना? चल जय माई की। आज भी आगे बराबर थे, जिसका नंबर है माँ ने बोली थी, अभी गलती बच्चा है, अभी सेवा करो मामाई, किसी को माई के बारे में गद्दी बग जाओ, कोई भी गद्दी लगाएगा क्या? अभी तू पहले बीच में कैसे आ गया, वो थे ना? हाँ बोलो बोलो, भाई का इलाज करवाया था, फोन करता मैं जानती नहीं, शक्ल दिखा कौन सा भाई था, तू ही आया था पहले? हम मैं भी आया था, मेरा भाई फिर मैं जानती नहीं, शायद उसको जानती हूँ, भूल जाती हूँ। इसका शनि बिगड़ा हुआ है, शनि सुधार लो इसका, इसका शनि, शनि सुधार।
बाहर बैठा जा सुधार में। बाबू पीछे रही हो ना पीछे भाई पीछे। हाँ ये मैं कहती रही, मैं समझ गई यही है। हाँ क्या हुआ इसका? ठीक है इसका, इसका चार्ज थी वो जो आपने बताया 300 पूरे वो कर दिया था एक बार, वो ऊपर देख लो ठीक है। और घर परिवार में कुछ दिक्कत और कुछ दिक्कत? अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। तुम बताओ तुम्हें आगे क्या चाहिए? तुमने कढ़ाई वढ़ाई दे दी थी आराम तुम्हारे घर में? नहीं अभी लास्ट शनिवारी करा था ठीक है ठीक है। थोड़े से दिन देखो सब नॉर्मल चलता रहे तो फिर एक हलवा चना दे जाऊँ मैं ठीक। और बोल बेटा। और घर परिवार में मेरे तो कर्जे का ज़्यादा हो रखा है। अच्छा ठीक है, नाम बोल अपना। रामदास। और तेरे पिताजी का नाम? सुरेंद्र। और तेरे दादा का नाम? गुरु बसंत सिंह। तुम्हारे गाँव में कोई पुराना कुआ वगैरह था क्या? कुएं के पास है, घर के पास सही आया है कुआ। गांव में हम रहते नहीं, हम 50-60 साल से भी आ रहे हैं बाहर आ रहे हैं तो पता नहीं ठीक है। और इधर पीरों को बोकरा देना, हमारी मनवा देना सेवा वाली जो पति है ये मैं बोल रही हूँ कर देना पूजा जाएगा। पीरों का बोक मैं वैसे बोलती हूँ, वैसे जल में देना है क्योंकि तुम्हारा वो कुआ है वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। कहते हैं ना गाँव के नदी बावड़ी परेशान कर देते हैं, उनमें भी देवता बैठे होते हैं। हाँ। तो मैं वो कर देती हूँ। कोई देवी देवता की भूल ना ना सब ठीक है कुछ नहीं है, बस वो कुएं का यह है जल होते हैं। एक है ना जैसे मेरे ऊपर कोई भी शक्ति आती है तो गला में जैसे घुट रहा है एक तो वचन निकल रहे होंगे। जब कोई शक्ति आएगी और कुछ वचन करना चाहती होगी बोलना चाहती होगी तो ऐसे लगता होगा कोई गला दबा रहा है मेरा घुट रहा है खींच रहा है। हाँ वो वचन नहीं हो रहे होंगे उसके लिए होगा वो। तो आज गुरु कोई बना लिए तूने? अपने गुरुओं के आदेश करवा ले वही खुलवाएंगे। गुरु नहीं बनाए थे, गुरु एक मेरे दादाजी के गुरु थे बल प्रकाश गुरु, उन्हीं को मान रखा है। मानना ठीक है लेकिन नामदान लेना और मंत्र लेना जरूरी होता है ठीक है। तो अपने बनाए नहीं तुम बता कविता जी इनको गुरु कैसे करवाते हैं बता देना, इसकी इच्छा जिस मर्जी को बताए। चलो आ गया बना नहीं था पीठ कर तुम मेरे बारे में कुछ बात करके आया मुझे बार बार बोल रहे हैं बता रही हूँ भाई बच के आ गए। हम तो हुआ क्या हमारा तो प्लेन क्रैश हो जाता उस दिन। हाँ यूँ कर रहे ओम साइकिल का ओम साइकिल का। हाँ भाई हमारा प्लेन क्रैश हो गया होता वो ना पहले मेरे से पहले पानीपत वाले बैठे हुए थे मम्मी। अच्छा पानीपत वाले वो अपने मेले की बात बता रहे थे, हम उसके बाद में जैसे ही सलाम किया हमने तो शायद जी कहते भेजा भी मैं क्या शायद जी सिगरेट पड़ोस कहते ला दे यार बड़े दिन हो गए ने उन्होंने लगाई। फिर कहते यार करनाल भी तो मेला होया सी, उनको ये नहीं पता कि करनाल हमने ही कराया। कहते यार विनीत खान दसदा पाया सी कि सरकार आई है सर उत्थे सारे को पूछ ही नहीं आया, सानू को पूछ ही नहीं आया भाई साहब जी थोड़ा लैंड आया तुम है नहीं सी। कहते चल ठीक है भाई। कहते विनीत खान कहता कहता बड़ा वधिया मेला आया उत्थे ते कोई गल नहीं। मैं क्या भी मैं तो गल करा दे मम्मी एक बार फोन चुक ले मैं तो गल करा रहा हूँ। उन्हें माई आए थे साई आए थे दोनों ने काम फटे फ्लाइट में दिन उसमें। हाँ मेन विनीत खान ही करके गया था जी पहले। अच्छा सिंगर। वही करके गया देखी थी मैंने उसकी वो वीडियो में देखा था। हम तो जब तक पहुंचे थे तब तक तो वो चले गए थे। 8:30 बजे एंट्री हो जाए बढ़िया थी उस टाइम पब्लिक की और भी बहुत। अरे भाई साहब हम तो सही आधी पब्लिक के बाद रहे स्टेज तोड़ने को गए थे वहाँ पे। मम्मी क्रेज था बहुत बहुत क्रेज था बाकी आपकी बारी और ज्यादा होगा। मम्मी की इच्छा रहा जब तक वो हुक्म नहीं देती तब तक तू तो तेरे यहाँ तो मैं फिर भी जल्दी पहुँच गई आगरा वाली के यहाँ तो मैं रात को 3 बजे पहुँचती हूँ। चला बोल।